हेलो बच्चों, पढ़ल कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11th में सेट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों बहुत धीरे धीरे बहुत इत्मीनान से इसको समझेंगे, क्योंकि 11th में जो मैथ्स है वो आपको एक स्पेशलाइज ढंग से समझना होता है। तो बच्चों सेट क्या होता है? देखिए, सेट माने होता है समूह। सेट माने क्या होता है? ग्रुप। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को ध्यान में लाइए जो आपको ग्रुप में मिलता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर्स का ग्रुप हो गया, या रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया, या जैसे आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेट को समझाने के लिए, उसके रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए इसमें काफ़ी सारा इसने एग्जांपल लिया हुआ है ना। तो जैसे क्रिकेट टीम हो गया, ठीक है, और प्राइम नंबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो सेट क्या होता है? एक प्रकार का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई ऐसा समूह नहीं कि रैंडम समूह नहीं है। जैसे आप मनमाना किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे कि ये जो है सेट है, बल्कि बिल्कुल वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। डिफाइंड होता है मतलब, जैसे मैं बोला कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया जो है, अगर भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी तरह से डिफाइंड हैं, वेल नोन है। उसी प्रकार से जैसे अगर मैं बोलूँ कि हिंदी अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स हैं वो वेल नोन हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स कंसोनेंट जो हैं वो वेल नोन हैं, अलग अलग ट्रायंगल रेक्टेंगल है ना, ये सब जो हैं वेल नोन हैं। तो मान लीजिए सोल्यूशन आपको इक्वेशन है, ये वेल नोन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो सेट्स के अंतर में आती हैं, ठीक है। अब सेट्स में हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो सिम्बॉल होते हैं, या बोलें तो जो लैंग्वेज होता है ना, उस लैंग्वेज को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उस लैंग्वेज को और उससे जुड़े हुए जो सिम्बॉल हैं अगर हम लोग उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में ना समझें, तो उस टॉपिक को समझ पाना, उससे जुड़े क्वेश्चंस को बना पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इससे जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं उसको बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से समझेंगे कि इस सेट से वाले जो चैप्टर हैं आपके 11th में, उसमें कौन कौन से सिंबल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, कैपिटल एन जो है ना, कैपिटल एन ये होगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पे मैं बता दूँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर आपके है ना वन से शुरू होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर होंगे। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, तो मालूम है आपको। उसके बाद जो कैपिटल जेड है ना, वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में कि जो नेगेटिव भी नंबर्स इसमें आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनाइट से लेते -3, -2, -1, और इधर 0, 1, 2, और इधर आपके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, ये नंबर जो हैं आपके इसमें आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो इसको हम लोग सेट में कैपिटल जेड से दिखाएंगे। फिर क्यू जो है, ये जो कैपिटल क्यू है वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का क्या डिफिनेशन है कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ के अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ना, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सारे के सारे रेशनल नंबर को सेट में दिखाने के लिए हम लोग क्यू को यूज करेंगे। फिर जो आर है, आर जो होगा कैपिटल आर, वो बताएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो ये जो पूरे के पूरे ऊपर में रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये जो नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये आपके रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर में आता है। मतलब रियल नंबर में दो टाइप के नंबर मिलते हैं अपने को, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, है ना। तो आप लोगों पढ़ चुके हैं क्लास 10th में इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, ये सब जो नंबर्स हैं बच्चों ये सब इरेशनल नंबर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड प्लस, जेड प्लस जो है अगर सिंबल हम लोग यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, मतलब इंटीजर में जैसे मैं बताया कि नेगेटिव भी होते हैं, अगर हम लोग पूरा पॉजिटिव लेंगे तो उसको जेड प्लस से शो करेंगे। फिर क्यू प्लस जो होता है, ये जो क्यू प्लस है ये क्या है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर पॉजिटिव होंगे, अभी मैं बताया हूँ आपको, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव होना जरूरी है तो क्यू प्लस कर देंगे। और देखिए इसी से पता चलता है कि अगर इसमें नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव को दिखा देगा, जेड माइनस हो जाएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू माइनस हो जाएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, और आर प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आर माइनस हो जाएगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स को ये दिखाएगा। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये सारे सिंबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बार बार यूज होगा अलग अलग जगह में। अब बच्चों आगे सिंबल से मैं देखिए, ये जो सिंबल्स है जो कि उल्टा ही टाइप का दिख रहा है, यही टाइप का दिख रहा है, समझिए ये क्या है, ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक सिंबल है, और जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू।
अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बिलोंग्स टू क्या होता है और कहाँ पे इस सिंबल को यूज करके हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। दूसरा, अगर इस एप्सिलॉन में या ई टाइप का जो सिंबल है उसको काट दें हम लोग, तो क्या होगा, ये डज नॉट बिलोंग टू, है ना, ये बिलोंग नहीं करता, मतलब उसको फॉलो नहीं करता या उसका एलिमेंट नहीं है, इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि किस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, ए एप्सिलॉन साइन और कैपिटल ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मान ए बिलोंग्स टू ए, और अगर हम लोग इस साइन को ऐसा क्रॉस कर देते हैं और बी के साथ ऐसा लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको, कि स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किसमें हमको बिलोंग्स लिखना है और किसमें हमको नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। अब चलिए कुछ और सिंबल जो है ना सेट से उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये जो सिंबल है सी टाइप का ना, इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, सबसेट ऑफ, और इसको अगर एक लाइन से काट दें तो क्या बोलेंगे, नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, और इस सी के नीचे में एक बार खींच दें, एक लाइन खींच दें तो ये हो जाएगा अ सबसेट एंड इक्वल टू, अगर इस टाइप का यू टाइप का साइन आएगा तो यूनियन पढ़ेंगे ऑल टुगेदर, या इसको अगर बोलेंगे तो हम लोग आर बोलते हैं, और अगर उल्टा यू करते हैं हम लोग इसको तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन या ओवरलैप, या इसको बोलेंगे एंड। उसके बाद अगर एक ऊपर डेस लगा देते हैं तो ये नॉट ए हो जाएगा, नॉट ए, और अगर ये ओ लिख के क्रॉस कर देते हैं तो फाई है बच्चों, ये भी एक ग्रीक सिंबल है आपको मालूम होगा, फाई बोलते हैं इसको। ये एम्प्टी सेट को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, एम्प्टी सेट को। और मान लीजिए जो सी है उसको उल्टा लिख दे और नीचे में एक लाइन खींचे, जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सुपर सेट को दिखाता है, और इस प्रकार का उल्टा सी अगर लिखते हैं हम लोग तो ये जो है प्रॉपर सेट या स्ट्रिक्ट सेट, स्ट्रिक्ट सुपर सेट या प्रॉपर सुपर सेट को ये बताता है। ठीक है, और अगर उल्टा सी को हम लोग काट दें तो क्या हो जाएगा, ये नॉट सुपर सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए टू के ऊपर पावर ए है, मतलब किसी के ऊपर भी पावर ए आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट, क्या बोलेंगे इसको, पावर सेट। तो बच्चों ये इससे जुड़े हुए मेन मेन सिंबल हो जाएंगे हैं, जो आगे जाके मैं और आपको बताऊंगा कौन कौन से सिंबल जो हैं और यूज हो सकते हैं, बाकी मेन सिंबल इतने ही हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि जो सिंबल होता है ये क्या क्या होता है, और आगे जाके हम समझते जाएंगे जो सिंबल है उनका मीनिंग क्या क्या है। तो चलिए इसको आगे जाके हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि जो सेट होता है ना उसको दो मेथड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना कि उसको हम लोग नंबरिंग से दिखाते हैं, जैसे इसमें एक रोस्टर फॉर्म बताया हुआ है कि मान लीजिए बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हुज डिवाइड्स 42 इच, कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, तो 42 को जो डिवाइड करने वाले होते हैं वो नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ये है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं ना वो लिख दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है दूसरे एग्जाम्पल को भी हम समझ सकते हैं, जैसे इसमें बोला है कि सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो जो इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ए भी क्या है, एक ए रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो रोस्टर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार का ये जो मिडिल साइज ब्रैकेट होता है या कर्ली ब्रैकेट होता है तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को कि एलिमेंट जो है ना रिपीट नहीं होना चाहिए, जनरली हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब जैसे स्कूल, स्कूल में कौन कौन से वर्ड हैं, तो स्कूल में देखिए डबल ओ है, तो यहाँ पे क्या है, ओ को एक ही बार यूज करेंगे, चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखें आगे पीछे करके उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग ओ को एक ही बार लिखेंगे, दो बार उसको नहीं लिखना है, लेकिन आगे पीछे कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए बच्चों, ए होता है, दूसरा होता है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना उसमें हम लोग एक प्रकार के डिफिनेशन के फॉर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोसेस्ड बाय एन एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब एक प्रकार का डिफिनेशन होता है जो एक प्रॉपर्टी को शो करता है, उसके विशेषता को बताता है जो उस सेट के बाहर और कोई एलिमेंट में नहीं होता। जैसे अगर हम लोग बोल दें कि ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स होते हैं ना, ऑल एलिमेंट पोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है,
तो इसको हम लोग सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या लिखेंगे कि वी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो सिंबल है बच्चों, जो सेमी कोलन वाला सिंबल है या कोलन का जो सिंबल है, तो बच्चों इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे द सेट ऑफ आल एक्स है ना, ये जो कोलोन है कोलोन के पहले का जो एक्स है उसको पढ़ते हैं हम लोग कि द सेट ऑफ आल एक्स, याद रखिएगा, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको कि द सेट ऑफ आल एक्स सच दैट, तो देखिए ये जो कोलोन के पहले का एक्स है ना, जो कि कर्ली ब्रैकेट और कोलोन के बीच में एक्स है, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट है ना। उसके बाद हम लोग वो डिफिनेशन को लिखते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं जिसमें जो सेट की प्रॉपर्टी है, जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, वो पूरी तरह से इंक्लोज्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद फिर हम लोग ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ब्रेसेस में वो द सेट ऑफ ऑल है ना, और कोलोन का जो मतलब होता है यहाँ पे दिया देखिए सच दैट। ठीक है, याद रखिएगा कोलोन का मतलब क्या होता है, सच दैट। और ये जो ब्रेसेस है डिस्क्रिप्शन के पहले का ब्रेसेस जो है और एक्स जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको पढ़ना नहीं जानते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए इक्वल टू आल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन थ्री बट ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन टेन। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन थ्री एंड टेन। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, एक्स लाइज बिटवीन थ्री एंड टेन, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन टेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, नंबर जो है ना 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट होंगे ए के। तो बच्चों इस प्रकार के जो फॉर्म है ना उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और इसके पहले की एग्जाम्पल को हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42 है ना। ये जो 42 वाला एग्जांपल को हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जो सेकेंड वाले को हम लोग पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और सी को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो है या टेबुलर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है वो बोलता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे मिड टर्म मिसफिट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, तो एक्स का वैल्यू वन और माइनस टू आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग जो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बताया है ये कर्ली ब्रैकेट डाल के वन माइनस टू करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है आपका। जो एग्जाम्पल सेकेंड है वो बोलता है कि राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर शुड लेस देन 40। तो देखिए एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 40 से कम होना चाहिए, तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 भी है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 जो है ना वो 40 से बड़ा है, तो ये 7 तक नहीं जाएगा। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये इसका टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले एग्जाम्पल का। बच्चों अब थर्ड नंबर एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ इसको कि राइट द सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो देखिए सब क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं कि ऑल द सेट ऑफ एक्स, सॉरी बच्चों
द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। तो जैसे इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको हम लोग पढ़ते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या इसका अल्टरनेटिव हम फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू, ये क्या है, मैं सिंबल बताया था आपको, नेचुरल नंबर का सिंबल है एन जो है। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता और इधर पूरा जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल फोर को देखिए, एग्जाम्पल फोर क्या बोल रहा है कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको अगर हम लोग फार्मूला के वैल्यू में देखें तो ये जो है, जो नीचे का टर्म है वो एन प्लस वन है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को एन लूँगा तो डिनोमिनेटर को क्या लूँगा इस क्वेश्चन में, एन प्लस वन लूँगा जैसे कि इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो वन पुट करूँगा तो वन प्लस वन टू हो गया, टू पुट करूँगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और मान लीजिए मैं इसी तरह से सिक्स पुट करूँगा तो सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से लिख दूंगा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन आर लेस देन आर इक्वल टू सिक्स। मान एन का जो वैल्यू है वन के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, छः के बराबर भी हो सकता है और छः से छोटा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए रोस्टर फार्म सेट बिल्डर फार्म में हम उसी टाइप से इसको लिखेंगे जैसे कि मैं भी आपको बताया। अब इसका एग्जाम्पल नंबर फाइव जो है बच्चों मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कि निम्न में से कौन सा सेट्स है आप अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताइए। पहला बोलता है क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो बच्चों लेटर जे से बिगिनिंग होने वाले शुरू होने वाले मंथ के नाम कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ लिख के। तो बच्चों ये है जनवरी जून और जुलाई। तो देखिए जनवरी जून और जुलाई जो है ना एक पूरी तरह से डिफाइंड है, ठीक है, इसमें कोई प्रकार का ऐसा चीज़ नहीं है जो कन्फ्यूजन हो या जो अपने डिफिनेशन में ना आता हो, इसीलिए क्या हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो पूछता है ना इसमें, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि यस है ना, इट बिलोंग्स टू सेट। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो है ना बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ 10th मोस्ट टैलेंटेड जो है, ये किसको आप टैलेंटेड बोल रहे हैं, उस किसको नहीं बोल रहे हैं, कौन से राइटर को बोल रहे हैं, किस टाइप के राइटर को बोल रहे हैं, तो ये जो है कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा ये जो सेकंड होगा ये सेट नहीं हो सकता। थर्ड नंबर देखिए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए जो टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वर्ल्ड में, तो बच्चों ये भी जो है ना ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो ये वर्ल्ड डिफाइन नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा कि इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड नंबर भी सेट नहीं होगा क्योंकि जो बेस्ट बैट्समैन है उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बिल्कुल डिफाइंड है कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं, बिल्कुल डिफाइंड है, तो एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जो सारे नेचुरल नंबर हैं लेस देन 100, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है, तो क्या होगा ये फिफ्थ नंबर भी एक सेट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। सिक्स्थ नंबर देखिए द कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है, क्लियर है एकदम कि मुंशी प्रेमचंद ने कितने नावल लिखे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी बिल्कुल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स है ये भी सेट में आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी देखिए बिल्कुल डिफाइंड है, ये तो भी क्या हो जाएगा एक सेट में आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो देखिए मोस्ट डेंजरस जो है ये क्वेगस फार्म है, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई पता नहीं किस प्रकार के डेंजरस सी एनिमल को बोल रहा है कि कहाँ को बोल रहा है, तो जो नाइन्थ नंबर होगा वो एक सेट नहीं होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बोलता है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि किसमें बिलोंग टू का सिंबल आएगा और किसमें नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फाइव जो है ना ये बिलोंग करेगा ए को, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइव है,
एट जो है बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एट नहीं है, तो इसको ई लिख के या एप्सिलॉन लिख के काट देंगे हम लोग। थर्ड नंबर में देखिए जीरो जो है, जीरो भी इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जीरो नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद देखिए फोर नंबर, फोर नंबर इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बिलोंग का साइन लगा देंगे। टू जो है इसमें है, तो इसमें भी बिलोंग का साइन लगा देंगे। और टेन जो है इसमें नहीं है, तो नॉट बिलोंग का साइन लगा के ए लिख देंगे। ये हो गया बच्चों आप लोगों का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फार्म। तो इस सेट को रोस्टर फार्म में हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज इन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो बच्चों पहला में देखिए एक्स का वैल्यू जो है वो -3 से बड़ा है, तो -2 हो जाएगा, इंटीजर है -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 तक जाएगा ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका, ये रोस्टर फार्म हो गया, ये टेबुलर फार्म हो गया, ये जो बोल रहा है उसका, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू बोलता है कि बी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए सारे नेचुरल नंबर जो 6 से कम होते हैं कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो 1 2 3 4 और 5, लेस देन 6 से बोलता है, इक्वल टू नहीं बोल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये सेकेंड का सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सेट हो जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ऑल द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो एक्स एक प्राइम नंबर है और वो 60 का डिवाइजर है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि देखेंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करता है। बच्चों ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो 60 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 2 3 जा 0 हो गया, फिर 2 1 जा 2 5 जा हो गया, फिर 3 हो जाएगा 3 5 जा हो जाएगा, ठीक है ना, और 5 1 जा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, ये एकमात्र 8 इवन प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 3 5, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हम लोगों को इसके टेबुलर फॉर्म में बताना है कि वह सारे नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और जिनका जो सम है डिजिट का वो 8 है। तो इसमें देखिए 17 हो जाएगा, 1 7 8 होता है, 1 + 7 26 हो जाएगा, 2 + 6 8 होता है, 35 हो जाएगा, 3 + 5 8 होता है, 44 हो जाएगा, 4 + 4 8 होता है, फिर ये 53 हो जाएगा, 5 + 3 8 होता है, फिर 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो नंबर हैं ना ये उसके एलिमेंट होंगे, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये थर्ड का टेबुलर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी फिफ्थ नंबर बच्चों। तो फिफ्थ, क्योंकि फोर्थ तो कर चुके हैं हम लोग, तो फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया था कि इसमें जो लेटर जो है ना रिपीट हो रहा है उसको हम लोगों को नहीं दिखाना है। तो फिफ्थ नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसके जो एलिमेंट होंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट बनाएंगे, तो टी आ जाएगा इसमें, आर आ जाएगा, जी आ जाएगा, वो दो बार है, एक बार आएगा, एन आ जाएगा, हम लोगों को रिपीट नहीं करना है, चाहे आर्डर कुछ भी हो, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, आर भी रिपीट नहीं करना है, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, ये टी आर आई, और सॉरी इसमें मैं आई भूल गया, तो आई भी आ जाएगा, टी आर आई जी ओ एन एम ई टी वाई, है ना, एन एम ई टी, टी आ गया है तो टी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, एक ही बार लाना है, तो एम ई वाई, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये जो है आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस टाइप से इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसका लास्ट जो पार्ट है, सिक्स्थ नंबर जो क्वेश्चन है, बोलता है कि एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर।
तो देखिए इसमें क्या है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसमें बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा और आर आ जाएगा। बाकी जो रिपीट हुआ है तो हो जाएगा बी ई टी आर, ठीक है, ये बन जाएगा इसका टेबुलर फॉर्म में। अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो फोर्थ को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 6 9 12, तो इसको लिखेंगे ए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर देंगे, है ना, और एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर है ये, और इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है नेचुरल नंबर ऑफ 3 है, एंड ये जो एक्स का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 आर इक्वल टू 3, और नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, और ये जो वैल्यू होगा 3 का मल्टीपल तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू जो है लेस देन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में लेस देन 15 क्या आता है, 3 6 9 और 12 ही आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 15, ऐसा आपको लिख देना है बच्चों। ये इसका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेट हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 2 4 6 8 16 32, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कि ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है 2 to the power n है, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है एंड n का वैल्यू जो है लेस देन 6 है। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो उसी को हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि 2 का पावर n, और n जो है ना नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, उसका वैल्यू 6 से कम है। अब देखिए इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये है 525 125 और 625, इसको भी हम सेम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स है ना इज 5 to the power n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू आर लेस देन 4, ये इसका टेबुलर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलिए इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है 2 4 6 के बाद चलते जा रहा है, मतलब ये 2 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जिससे ऊपर होगा, और सारे जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 के प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आगे क्वेश्चन है 149 उसके बाद 100 तक है ये, इसको कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको लिखेंगे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 11, ठीक है। तो लेस देन 11 में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 9, और इस प्रकार से 10 पुट करूँगा तो 100, लेकिन 11 से छोटा होना चाहिए। अब चलिए इसके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सारे सेट के एलिमेंट को हम लोग को लिस्ट करना है। तो इसका पहला सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ए इक्वल टू क्या बोलता है कि ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, ये होता है 1 3 5 7, और ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए इसका बी जो है, बी है आपका बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और जहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखिए ये इंटीजर है, रेशनल नंबर नहीं है, तो -1/2 से बड़ा जो होता है 0 होता है, तो 1 2 3, और 9/2 4.5 होता है, तो ये 4 तक आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बोलता है सी नंबर की ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, है ना, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है इक्वल टू 4 है आर लेस देन 4 है।
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या जाएगा, सी नंबर में उसमें माइनस भी आ जाएगा आपका, इसमें हम लोग का आ जाएगा माइनस टू, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, 0 आ जाएगा और यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 2, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए डी नंबर को देखते हैं। तो डी नंबर बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड एल ओ वाई ए एल, है ना। तो एल ओ वाई ए एल जो है इसमें क्या है, 3 लेटर हैं और एल जो है रिपीट हुआ है, तो इसका सेट बिल्डिंग, इसका जो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एल ओ वाई और ए, ये हो जाएगा डी का वैल्यू आपका। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर को देखते हैं हम लोग। तो फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज किसमें नहीं होता है, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे के सारे जो मंथ है ना, उनके जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 31 से लेस होते हैं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हो जाएंगे, है ना, किसके, इस सेट के। अब चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों सिक्स नंबर क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी, व्हिच प्रीसीड्स के। तो के पहले के जो कंसोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, उसको हम लोगों को इसमें शो करना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो बच्चों ये हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जे, है ना। तो जो भी उससे कम है उसको यहाँ पे हम लोग को राइट डाउन कर देना है। अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट में चलते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों सिक्स नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उस सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में मैच करना है। तो पहला देखते हैं 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 से क्या है कि ये जो है इसी नंबर है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स। देखिए ये सब के सब सिक्स के डिवाइजर है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। जो सेकेंड है 2 3, तो देखिए 2 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इसका ये हो जाएगा कि ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ सिक्स। ठीक है, तो 1 का क्या हो गया 6 और 2 का क्या हो गया a, थर्ड का देखिए m a t h e i c s, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये जो थर्ड का है ना वो d हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए 1 3 5 7 9, है ना, ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये सब ऑड नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 है। तो बच्चों इसका कैसे बना लेंगे हम लोग, इसमें देखिए ये जो फर्स्ट है उसका सी हो जाएगा, सेकेंड का जो है वो हो जाएगा ए, थर्ड का हो जाएगा डी और फोर्थ का हो जाएगा बच्चों आपका बी। ठीक है, तो बच्चों इतने में पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया है, है ना। ये मेरा पहला वीडियो था और इसमें कुछ कुछ मेरे से निश्चित तौर पे मिस्टेक हुआ होगा, तो आप लोग उसको माइंड मत करिएगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का फिर इसको आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।